सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल रोहन व्लॉग्स। सो आज मैं गुरु नानक बजाज पे और मेरे पीछे है ये बहुत ही अपनी पुरानी और सदाबहार और जो कह सकते हो मतलब लेजेंडरी बजाज पल्सर 150, जिसने भाई मतलब पल्सर को जो नाम मिला ना, जो ब्रांडिंग मिली है वो इसी बाइक से मिली है, पल्सर 150 और 180 से। जब पहले गोल 100 वाली आई थी 180 150, तो उसके बाद ये है, ये वाला लुक आया और ये लुक आज तक चल रहा है और सदाबहार लुक है। और ये ट्विन डिस्क वेरिएंट अपना, और ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको कि जो ट्विन डिस्क है वो बेटर क्यों है अपनी सिंगल डिस्क से। मतलब सिंगल डिस्क आप लेने जा रहे हो तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा अगर आप दे रहे हो ट्विन डिस्क के लिए, तो वो बेटर क्यों है वो आपको इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, पूरा समझना कि क्या मैं बता रहा हूँ, और पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ चीज़ कि क्यों बेटर है, और अच्छी राय दूंगा आपको। अगर आपको जो मेरी दी हुई जो मेरी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो भाई चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना जो भी आपका फ्रेंड पल्सर खरीदने की सोच रहा है। तो भाई ये देखो, ये है अपनी बजाज की पल्सर 150 ट्विन डिस्क। अभी ट्विन डिस्क में क्या है ना, देखो अगर आप बात करो इंजन स्पेसिफिकेशंस की या और जो लुक वाइज है, अगर सिंगल डिस्क है देखो तो सिंगल डिस्क भी खड़ी है, देखो वहाँ सेम कलर में खड़ी है ये खड़ी, तो एग्जैक्टली आपको लुक वाइज तो आप कहोगे भाई बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि लुक में ऐसा सच कोई भी चेंजेस नहीं है। बट इसके अंदर थोड़े बहुत मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल क्या, और भी बहुत सारे चेंजेस जो इसके अंदर है वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। सबसे पहले देखो अपना फ्रंट मास्क को, फ्रंट मास्क अपना बिल्कुल जैसे पहले आता था वैसे ही आज भी मिलेगा। दो पायलट लैंप मिलेंगे, हेलोजन हेड सेटअप मिल जाएगा दोनों में, और इसमें भी आपको मेन हेडलैम्प भी जो भी हेलोजन सेटअप के साथ मिलेगी, बिल्कुल सेम मिलने वाली है। पल्सर 150 सिंगल डिस्क, ट्विन डिस्क 125, सब में ये चीज़ सेम मिलेगी आपको, ठीक है। अब बात करें मडगार्ड की, तो भाई देखो मडगार्ड इसका काफ़ी ना ब्रॉड है, ये मडगार्ड काफ़ी ब्रॉड है। अब ब्रॉड कैसे है, ये जो मडगार्ड हमें कैरी फॉरवर्ड करा है 220 से, 220 वाला मडगार्ड आपको पूरा मिलेगा यहाँ पे। इसमें ऐसे करके यहाँ पे ये भी दे रहेगा स्कूप सा, क्योंकि काफ़ी अच्छा, जैसे मड वगैरह आपके इंजन के ऊपर नहीं जाता, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ दे दी है। और एक जो बढ़िया चीज़ दे दी है, बढ़िया जो हैवी चीज़ है वो है इसके सस्पेंशन। तो इसके सस्पेंशन भाई बिल्कुल ना हैवी हट्टे कट्टे मोटे सस्पेंशन दिए हुए हैं, जिससे आपकी राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, काफ़ी बेटर हो जाती है। और ये कैरी फॉरवर्ड करे अपने 220 पल्सर से, तो 220 180 जो आती थी पल्सर पहले, उसमें ये वाले सस्पेंशन आते थे, और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। मतलब 150 सिंगल डिस्क से देखा जाए तो ये वहाँ से मतलब आपको ये बेटर हैंडलिंग और अच्छी चीज़ देंगे। और अब बात करते हैं डिस्क साइज़, तो भाई डिस्क साइज़ भी यहाँ पे बड़ा मिल जाएगा आपको, 220 वाला डिस्क का साइज़ आपको यहाँ पे मिलेगा विद अ सिंगल चैनल ABS आपको यहाँ मिल जाएगा, तो डिस्क का साइज़ भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रंट अलॉय की, तो फ्रंट अलॉय आपको मिलेगा 17 इंचेस का। बट टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें 90 सेक्शन का टायर मिलेगा फ्रंट में, 90x90 17 इंचेस व्हील मिल जाएगा। तो जो नॉर्मल आपकी 150 आ रही है उसमें आपको 80 सेक्शन का टायर मिलता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा 10 mm की वाइडनेस ज़्यादा मिलेगी टायर के अंदर, उससे आपकी ग्रिप स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, कॉर्नरिंग में आप और अच्छे से बाइक चला सकते हो। तो चौड़ा टायर आपको मिलेगा फ्रंट में, ठीक है, मोटे सस्पेंशन चौड़ा टायर, और आपको चौड़ा वाला मडगार्ड मिलेगा विद यहाँ पे कार्बन फाइबर स्टिकर। तो ये तो चलो कार्बन फाइबर स्टिकर तो आपको उसमें भी मिल जाएंगे 150 सिंगल डिस्क, और आपको 125 में भी मिल जाएंगे कार्बन फाइबर एडिशन वगैरह, तो वो तो स्टिकर्स का खेल है बस, वो तो वहाँ भी मिल जाएगा। बट मैकेनिकली ये यहाँ पे ज़्यादा बेटर आपको अभी तक लग रही है। और बाकी टैंक की बात करें तो भाई इसमें 15 लीटर का फ्यूल आ जाता है आराम से, और सिर्फ पेंट की क्वालिटी देखो यहाँ पे आपको ये ग्लिटर्स वगैरह कितने बढ़िया मिल रहे हैं, पेंट इसका काफ़ी बेटर है। और यहाँ पे ग्राफिक्स तो ये वाले आपको उसमें भी मिल जाएंगे 125 में भी मिल जाएगा, 150 में भी मिल जाएगा, तो वो कोई टेंशन नहीं है। और ये टैंक पेड भी आपको दोनों में मिल जाएगा, बाकी स्प्लिट सीट भी आपको देखो, स्प्लिट सीट आपको इसमें मिल जाएगी 125 में भी मिल जाएगी। और बाकी जो ये ऊपर वाला पार्ट देखो, ये सारा आपको सेम बिल्कुल ऐसे मिलने वाला है, बट चेंजेस क्या है यहाँ पे, जैसे 150 की बैजिंग आ गई तो वहाँ पे 125 की बैजिंग आ जाती है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, बाइक खड़ी है, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि बैजिंग का क्या चेंजेस हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो ग्राफिक्स है, ये ग्राफिक्स भी आपको ऐसे ही मिल जाएंगे अगर आप रेड कलर वेरिएंट लोगे तो, ठीक है। और पीछे का मडगार्ड देखो, इसका पीछे का मडगार्ड भी चौड़ा दिया हुआ है 125 से, और 150 सिंगल डिस्क का मडगार्ड चौड़ा दिया हुआ है। और बाइक ना पीछे थोड़ी सी उठी हुई है, उठी हुई क्यों है, क्योंकि भाई इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वही चेंज है। अब जो इसका सस्पेंशन रियर सस्पेंशन है, ये एंड्यूरेंस का सस्पेंशन है, बट इसकी जो यहाँ पे देख रहे हो ये जो सस्पेंशन का पूरा सेटअप है ये बिल्कुल चेंज है। अगर आप देखोगे सिंगल डिस्क, मैं सिंगल डिस्क का दिखाता हूँ आपको, देखो ये खड़ी अपनी सिंगल डिस्क, इसका सस्पेंशन सेटअप देखो, ये देखो, ठीक है, इसका देख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे गैपिंग, ये गैपिंग देखो, इंच स्प्रिंग के बीच में गैपिंग देखो, और बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है, तो भाई यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप काफ़ी अलग है। इसका 220 वाला सस्पेंशन सेटअप दिया हुआ है पूरा का पूरा, जो कि काफ़ी हैवी है अगर आप देखा जाए 150 सिंगल डिस्क से, तो ये काफ़ी हैवी दिया हुआ है यहाँ पे ऑन बोथ दी साइड्स। तो यहाँ पे भी इस साइड भी देख लो और इस साइड भी देख लो, ठीक है। अब बात करते हैं स्विंग आर्म, तो स्विंग आर्म भाई, स्विंग आर्म भी इसका बहुत बढ़िया क्वालिटी का दिया है, 220 वाला स्विंग आर्म दिया हुआ है, ये देखो ये स्विंग आर्म देख लो, और सिंगल डिस्क का स्विंग आर्म देखो आप,
ये देखो ये खड़ी सिंगल डिस्क, इसका सिंगम देखो, इसमें तो वही 125 वाला सिंगम दिया हुआ है, बट इसका डिस्क, इसका सिंगम है वो हैवी दिया हुआ है, अपना 220 वाला सिंगम निकाल के इसमें लगा दिया, ठीक है। और बाकी साइलेंसर अपना वही रहने वाला, साइलेंसर में कोई चेंजेस नहीं है। और जो इसके फुट पैक्स है ये थोड़ा बैकवर्ड पोजीशन है, इसमें आप थोड़ी और स्पोर्टी पोजीशन मिलेगी आपको, और डुअल डिस्क है सबसे बड़ी बात, तो यहाँ पे आपको रियर में भी डिस्क मिल जाएगी 220 वाला सेम साइज़, आपको अच्छा खासा डिस्क का साइज़ मिल जाएगा यहाँ पे विद ABS। ये ABS रिंग नहीं है बट बेसिकली ये स्पीड सेंसर आपकी स्पीड सेंस करता है वो है। और यहाँ पे देख लो थोड़ी सी पीछे की तरफ है और उसमें थोड़ा सा आगे की तरफ होते हैं इसके ये, और यहाँ पे आपको किक नहीं मिल रही, बट किक का एक यहाँ पे लॉस है कि आपको यहाँ पे किक नहीं मिल रही, अगर आपकी बैटरी गई तो भाई आपको बाइक धक्का मार के स्टार्ट करनी पड़ेगी, बाकी इसमें किक की एक कमी है, बाकी ठीक है भाई। देखो लुक वाइज देखा जाए तो ये बेटर लगती है अपनी सिंगल डिस्क से। और भाई अब एक मेजर चीज़ बताता हूँ आपको, इसके चेन देखो, ओपन चेन सिस्टम है, चेन कितनी हैवी दे रखी है आप देखोगे ना, चेन वही 220 वाली चेन सिस्टम, पूरा स्विंगम, ये रियर चेन स्प्रॉकेट, फ्रंट चेन स्प्रॉकेट तो वही देती है। अभी चेन जो स्प्रॉकेट है ये चेंज करने से डिफरेंस क्या है भाई, जो उसका लो एंड है ना वो बहुत तगड़ा हो गया, मतलब लो एंड जो टॉर्क होता है ना, लो एंड जो बाइक पावर प्रोड्यूस कर रही है तो वो बहुत बढ़िया हो गया, तो इसलिए इसका चेन कितना हैवी दे दिया है। इसका जो अगर आप ये देखोगे ना स्प्रॉकेट, तो स्प्रॉकेट भी बहुत बड़ा दे दिया है, इतना बड़ा स्प्रॉकेट तो 150 में आता ही नहीं है, बहुत बड़ा स्प्रॉकेट दे दिया है इसके अंदर। तो भाई देखो इससे थोड़ा सा महंगी जरूर जाती है बाइक इन सब पार्ट से, लेकिन क्वालिटी उसके साथ साथ इंप्रूव कर जाती है बाइक की। और यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ये साड़ी गार्ड मिल जाएगा, और ये आपको फुटरेस्ट मिल जाएगा प्लेन के लिए, राइडर के लिए फुटरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, थोड़ा बैकवर्ड पोजीशन, साइड स्टैंड मिडल स्टैंड दोनों आपको यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। और अब बात करते हैं रियर टायर की, तो भाई यहाँ पे जो रियर टायर है आपको 120 सेक्शन का टायर मिल रहा है, और अगर बात करें 150 सिंगल डिस्क में तो वहाँ पे 100 सेक्शन मिल रहा है आपको बस, और यहाँ पे 120 सेक्शन मिल रहा है भाई, इतना वाइड टायर, इतना मोटा टायर मिल रहा है देखो पीछे से, और ये MRF का टायर है तो ये इतनी वाइड दिख रहा है। और अगर आपने गलती से इसके अंदर वो डलवा दिया ना TVS का यूरो ग्रिप आता है टायर, अगर वो डलवा दिया तो भाई वो तो और ही चौड़ा टायर है, और छोटी दिखेगी उससे आपको ये भाई, तो वो तो पूछो ही मत। और बाकी बात करें भाई इंजन की, तो इंजन है ना वही सेम रहने वाला है, 150 आपका CC का इंजन रहने वाला है, ये अपना पल्सर का जो आता है सेम वही इंजन आपको यहाँ पे भी मिलेगा, वह थोड़े बहुत चेंजेस ज़रूर है। अब चेंजेस मैं आपको बताता हूँ चेंजेस क्या है, देखो ये इंजन देख रहे हो मतलब बिल्कुल वैसे का वैसे सेम है, ठीक है। और बाकी जो चेसिस है ये चेसिस में थोड़ा डिफरेंस है, ये जो चेसिस देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पूरी चेसिस है ये चेसिस में डिफरेंस है, ये चेसिस अपनी 220 वाली चेसिस यहाँ पे लगा दी है 180 वाली, तो उसके अंदर वही अपनी 150 वाली चेसिस है, तो वही चीज़ है। बाकी इंजन आपको वही 150 CC का इंजन मिल जाएगा जिसमें 13 BHP की पावर मिल जाती है, ठीक है। और ये अपना अब तो ये थ्रॉटल बॉडी के साथ आता है पूरा, आपको फ्यूल इंजेक्टर वगैरह सब इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और डुअल हॉर्न इसके अंदर मिल रहा है आपको, कितनी अच्छी बात है, डुअल हॉर्न आपको तो उसमें भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं और एक चेंज की, तो वो चेंज है भाई इसके हैंडल बार में, क्लिप और हैंडल बार है, बट इसका हैंडल बार देख लो कितना वाइड दिया हुआ है, और एक बार उसका हैंडल बार देखो आप, तो भाई ये देखो हैंडल बार देख लो, इसका वही 125 में जो हैंडल बार आ रहा है वही सेम हैंडल बार आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट इसका मीटर आपको वही मिलेगा पूरा जो 150 ट्विन डिस्क के अंदर आता है। अब इसका जो हैंडल बार है वो देख लिया आपने, बिल्कुल 220 वाला हैंडल बार दे दिया इसका आपको, हैंडल बार जो है बिल्कुल 220 वाला दे दिया। अब इसके मीटर के अंदर बड़े सारे फीचर्स हैं जो अपनी और बाइक में लैग, मतलब 120 अब तो 125 में भी आ गए, बट पहले इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था बजाज ने, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, होगी स्टार्ट, ये देखो भाई, तो इसके अंदर इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आ जाएगी आपकी, ठीक है, ये आ जाएगी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, तो ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपका वो आ गया, क्या बोलते हैं, फ्यूल आ गया, यहाँ पे आपकी स्पीड आ गई, यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी आ गया, ट्रिप आ गई, तो ये सब यहाँ पे इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी न्यूट्रल का ABS का आ गया, ये आपकी RPM की यहाँ पे आ गई, और ये RPM लिमिटर की यहाँ पर आ गई, तो सारी आ गई। बाकी बैकलिट की चीज़ तो देखो बजाज की बाइक है तो वो तो आपको मिलने ही वाले हैं, उसमें तो कोई मतलब सेकंड थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। अब एक बार मैं इसको रेव करता हूँ, इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ, तो भाई देखो ये हो गया अपना एग्जॉस्ट नोट, तो एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेसिक सा आपको इसमें एग्जॉस्ट नोट मिल जाएगा। और बाकी भाई डिस्क वगैरह मिल रही है, तो भाई मतलब यही है कि ये थोड़े से जो उसके पार्ट्स है ना, पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, सबसे पहले फ्रंट सस्पेंशन देख लिया, फिर ये पार्ट चेंज है अपना, फिर स्विंगम चेंज है, फिर डिस्क दे दी पीछे, अलॉय पूरा चेंज है, ये सारा पार्ट चेंज है, फिर ये पूरा इतना पूरा मतलब रियर तो पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया है इसका, ठीक है, रियर और फ्रंट से चेंज कर दिया, बट ऊपर की बॉडी अगर देखोगे ना टैंक से लेके ये वाला पार्ट, तो यही पार्ट सेम दिया हुआ है, बाकी तो पूरा चेंज कर दिया, हैंडल वैंडल सब कुछ चेंज करके रख दिया इसके, बाकी स्विचेस वगैरह सेम मिलने वाले हैं, फ्रंट मास्क सेम मिलने का, तो यही छोटी मोटी चीज़ें सेम कर दी, बाकी तो सब कुछ वही 220 वाला इसमें दे दिया है। तो भाई अगर आपको 150 चाहिए विद 220 क्वालिटी, राइट क्वालिटी, तो भाई आप ले सकते हो 150 ट्विन डिस्क भाई, अवेलेबल है अपनी गुरु नानक बजाज में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके दोनों प्राइस डिफरेंस क्या आता है, आपको इस प्राइस के अंदर क्या मतलब इस प्राइस के अंदर को जो डिफरेंस आ रहा है उसमें आपके लिए ये चीज़ लेना वर्थ है क्या नहीं है।
सो भाई देखो अपनी जो 150 सिंगल डिस्क है वो अपनी आ जाती है 1,36,500 रुपये, और ये आती है अपने ट्विन डिस्क 1,40,000। तो भाई मोटा मोटा 3,500 रुपये का डिफरेंस आपको इसके अंदर मिल जाता है। बट 3,500 के अंदर अगर आप सोचो कि मैं 150 खरीद के 3,500 रुपये लगा के ये सारे पार्ट्स डलवा के मैं भी उसको ऐसे कर लूँगा, तो भाई आप नहीं कर सकते। बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो फ्रॉम फैक्ट्री फिट होकर आती है, मशीनरी जो प्रॉपर जो ऑटोमेटिक मशीनरी होती है ना वो सारे पार्ट्स को बना के फिट करते हैं बाइक के अंदर, तो वो चीज़ आप फिटमेंट वैसी कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए आपको भाई 150 ही बाय करनी पड़ेगी ट्विन डिस्क। तो भाई मेरे को लगता है कि 2,000-3,000 रुपये का डिफरेंस आपके लिए कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है, या कोई बहुत छोटा डिफरेंस है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। आप आके अपनी डील को फाइनल कर सकते हो और अपनी ये जो 150 है ना ट्विन डिस्क इसको बाय कर सकते हो। भाई लुक वाइज बहुत तगड़ी है, वाइड वाइड चौड़े चौड़े टायर दिए हुए हैं, तो मतलब बड़ी बाइक वाली फील तो आपको मिलेगी। 150 का स्टिकर हटा के 180 का स्टिकर लगा दोगे तो भी कोई नहीं कह सकता कि भाई ये 150 है। भाई बाइक बहुत प्यारी है, लेनी है तो आ जाना ना गुरु नानक बजाज पे, नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश करे, जल्दी से अपने को यहाँ पे कॉल कर लो और अपनी डील को फाइनलाइज कर लो। 10-12,000 रुपये देके फाइनेंस करा लो, 10-12,000 रुपये फाइनेंस हो जाएगी आपकी बाइक। बाकी इजी ईएमआई में भरते रहना, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, निकल जाएगी आराम से ईएमआई और बाइक भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। और तो भाई मतलब पता ही आपको पल्सर की लीगेसी, तो पल्सर वाली लीगेसी आपको मिल जाएगी आपके घर के अंदर। बाकी मिलते हैं आपसे अगर अच्छी वीडियो में, जब तक टिल देन सी यू, ओके बाय।